हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 10 को हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 10 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेक्शन 135 और 136 को पढ़ा। आज हम 137 से लेके 139 तक पढ़ेंगे, जहां पर एग्जामिनेशन का ऑर्डर, एग्जामिनेशन क्या होता है और एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है वो बताया गया है इन तीन सेक्शंस में। देखिए, ऑल्दो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की भी बात हुई और क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सेक्शन 145 और 146 भी हैं, लेकिन 145 और 146 को हम इस क्लास में स्टडी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाता है कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन से रिलेटेड सारे सेक्शन होंगे वो हम इससे नेक्स्ट वाली क्लास में जो है डील करेंगे, जहां पर लीडिंग क्वेश्चन के बारे में भी हम पढ़ेंगे और फिर जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज हमें सिर्फ इतना पता करना है कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है और क्रॉस ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंट लेके आता है उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन तीन सेक्शंस के साथ विद केस लॉज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। सेक्शन 137 सबसे पहले बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ऑल्दो इसमें सिर्फ इतना लिखा है एग्जामिनेशन इन चीफ, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें बताई गई। क्या कहा गया, देखिए, जब हम एग्जामिनेशन इन चीफ की बात करते हैं हम बोलते हैं कि एक विटनेस को कोर्ट में लाया जाता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है कि एग्जामिन कैसे होगा विटनेसेस का, तो ये सेक्शन तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो गया। तो क्या कहता है सेक्शन 137 की, जब किसी विटनेस को, किसी गवाह को कोर्ट में लाया जाता है तो उसके किस तरीके से एग्जामिन किया जाता है। बोल रहे हैं तीन तरीके से एग्जामिन होता है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और जरूरत पड़े तो री एग्जामिनेशन भी होता है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो पक्षकार लेके आ रहा है विटनेस, गवाह, साक्षी, वो अपने गवाह, अपने साक्षी की खुद परीक्षा करे, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जैसे ए एक पार्टी है, बी दूसरी पार्टी है, ए अपने साथ जो है सी डी को लेके आया है विटनेस के तौर पे और बी अपने साथ एफ और जी को लेके आया है विटनेस के तौर पे। अभी हम देखो इसे बना देते हैं, ए एक पार्टी, बी दूसरी पार्टी, ए अपने साथ लेके आया सी और डी को और ये लेके आया एफ और जी को, ये क्या है विटनेस है, ये दोनों क्या है एडवोकेट्स है। अब ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ रहे हैं, ये डिफेंस की तरफ से लड़ रहे हैं। अब ये जो है ये लेकर के आए हैं सी डी को विटनेस की तरह और ये एफ जी इनके विटनेसेस हैं। अब जब विटनेस कोर्ट में आए तो जब एग्जामिनेशन चीफ की बात करते हैं तब जब ये ए अपने लाए हुए विटनेसेस से खुद सवाल करता है तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ए अपने लाए हुए विटनेस से खुद सवाल कर रहा है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। इसी तरीके से बी जब अपने लाए हुए एफ और जी विटनेसेस से खुद सवाल पूछ रहा है तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बातें बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन ये इस तरह से मीन्स ए के लाए हुए विटनेसेस को बी एग्जामिन करेगा और बी के लाए हुए विटनेसेस को ए एग्जामिन करेगा। ए एफ जी से सवाल करेगा और बी सी डी से करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्रॉस एग्जामिनेशन क्लियर है ना। अब ए एग्जामिनेशन इन चीफ में तो सीधा चल रहा है, अपने अपने से बात कर लो, अपने अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में एक दूसरे के लाए हुए। अब तीसरा उठता है री एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है, री एग्जामिनेशन का मतलब जिनको आपने एग्जामिन कर लिया उसको फिर से एग्जामिन करो। तो यहां ध्यान रखना री एग्जामिनेशन सिर्फ उन विटनेसेस का होता है जिनको पार्टी खुद लाती है, जैसे कि ए सी डी का ही री एग्जामिन करेगा और बी एफ जी का री एग्जामिन करेगा। री एग्जामिनेशन कब होगा, री एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होगा। स्टेप वाइज चलते हैं, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, अपने लाए हुए विटनेसेस से आप सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। अब बी को लगता है भाई वो अपने आप लाया तो सिखा पढ़ा के भी ला सकता है,
तो बी इजाजत मांगता है कोर्ट से कि मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, या कोर्ट खुद कहते हैं आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपने बहुत मूवीज में चीज देखी भी होगी। अब बी बोलता है हाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ। अब बी जब उससे सवाल पूछ रहा है इसके अलावा ए के लाइव विटनेसेस से, तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब इन विटनेसेस ने कुछ ऐसा बोला जिसको ए को लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था, या फिर कुछ नई बात आई है सामने वो एक्सप्लेन करना चाहता है, तो उस वक्त ए कहता है मैं फिर से इसकी विषय कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मिले, उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन, फिर से अपने लाइव विटनेसेस से पूछना क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। देखिए केस है हमारे पास शरदम मा वर्सेस केन चम्मा 2007 का केस, और इस केस में साफ साफ यही बात कही गई, यही बात हेल्ड हुई कि एक क्रम है, एक ऑर्डर है एग्जामिन करने का। क्या ऑर्डर है? पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और री एग्जामिनेशन होगा। इनमें कुछ भी अदला बदली नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं कर सकता, वो गलत है। ना परमिशन मांगी जा सकती है, ना परमिशन दी जा सकती है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था, याद रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन इन चीफ एग्जाम में लिख के आए तो ये केस भी लिख के आइएगा। फिर सेक्शन 138 बोलता है वही ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता है कि किस तरीके से एग्जामिन होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और री एग्जामिनेशन क्या होता है, तो सेक्शन 138 यही क्लियर करता है कि ऑर्डर क्या होगा, जो मैंने अभी बताया, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर री एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पर इसमें सेक्शन 138 में एक बात और ऐड की गई, जहां पे बताया गया डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, जिसमें कहा गया कि री एग्जामिनेशन की क्या डायरेक्शन होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, पहले ए अपने लाइव विटनेसेस से सवाल पूछता है, बी कहता है मैं भी पूछना चाहता हूँ, या कोर्ट उसे कहते हैं आप चाहे तो पूछ सके, तो बी सीसीडी से क्वेश्चन कर लेता है। अब क्वेश्चन करते हुए ऑब्वियस उसको अपने पक्ष को डिफेंड करना है, तो वो तो कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन का मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो कि कोर्ट की मर्यादा या लो की मर्यादा के खिलाफ होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि उसका पक्ष मजबूत हो। अब उन क्वेश्चंस को पूछते हुए बी के द्वारा सीसीडी से जो इंक्वायरी हो रही है, जो विटनेसेस से एग्जामिन कर रहा है वो, उसके पूछते वक्त क्या हो रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं, कुछ ऐसी बातें निकल करके आती हैं जो ए ने इन दोनों से क्वेश्चन किए थे तो बात सामने आई नहीं थी। तो अब ए को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, अपनी बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, बी तो इन विटनेसेस को अपने पक्ष में मोड़ लेगा, अपने पक्ष मतलब उनकी कही हुई बातों से अपने फेवर में चीजें निकलवाना चाहेगा ना, तो उस चीज को क्या करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए ए री एग्जामिन करेगा, एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए बोला डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन में वो अपने जो अगर कोई नया क्वेश्चन नई बात निकल के आती है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन तो उसको वो एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर से अगर कुछ नई बात निकल के आ जाती है री एग्जामिनेशन में तो अगर फिर भी चाहे तो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। देखिए इसको क्रम में समझते हैं, ए सी डी को लेके आया तो पहले इनसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनेशन इन चीफ, अब बी को जो है दिया गया मौका आप इनसे कर लीजिए बात करनी है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ए से कहा जा रहा है अभी कुछ नई बात निकल के आई तो कहता है मैं री एग्जामिन करूंगा, तो वापस से अब दोबारा आना, पहले आया एक बार, अब फिर से आया दो बार, इसको बोलेंगे री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन के दौरान कुछ ऐसी बात निकल के आई जिसमें बी को लगता है मुझे भी कुछ कहना है, तो ये भी फिर से क्रॉस एग्जामिन कर सकता है चौथी बार। तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन के बारे में सेक्शन 138 में बताया गया। फिर सेक्शन 139 क्या कहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। अगर एक व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेके आता है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसको कोर्ट में इसलिए बुलाया जाता है ताकि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके आए, तो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती सिर्फ क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट लेकर के आया, सिर्फ इतना ही है, वो कोई विटनेस नहीं है। हाँ अगर उसे विटनेस के तौर पे बुलाया जाएगा तब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जब तक उसे विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जाता तब तक उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके आने मात्र से वो व्यक्ति विटनेस नहीं बन जाता। से अगर मेरे पास कोई चीज है, मुझे किसी ने बुलाई कि देखने के लिए कि है कि नहीं, तो मेरा काम क्या है, सिर्फ वो चीज लेके जाना, अगर वो
उसमें मेरे से ही क्वेश्चन पूछने लगे तो वो अलाउड नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा, एज ए विटनेस बुलाना पड़ेगा, तब जाकर के उसको क्रॉस एग्जामिन हो सकता है, अदरवाइज क्रॉस एग्जामिनेशन उस व्यक्ति का नहीं हो सकता। अब केस लॉज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हरपाल सिंह वर्सेस देवेंद्र सिंह 1997 का केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि अगर प्रोसिक्यूशन को कभी ये लगता है कि इस व्यक्ति का विटनेस की कोई जरूरत नहीं, गवाही की कोई जरूरत नहीं, इसके एग्जामिन करने की कोई जरूरत नहीं, तो जबरदस्ती बहुत सारे प्रूफ को इकट्ठा करने के लिए विटनेस के नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा इस केस में हेल्ड किया गया। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर कोई मेटीरियल एविडेंस है, कोई मेटीरियल एविडेंस रखती है, गवाही जो है किसी की मेटीरियल इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको भी छोड़ दिया जाए। यानी कि इस बात का, किस बात का कि जबरदस्ती बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करने की, विटनेस इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उल्टा मतलब ना निकाला जाए। और अगर किसी व्यक्ति की गवाही मेटीरियल इंपॉर्टेंस रखती है तो वो तो देना जरूरी है। फिर गुलाम रसूल खान वर्सेस वली खान 1982 के केस में ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने क्या कहा था। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर ये लगता है कि किसी व्यक्ति की जो गवाही है, विटनेस की कोई बात कही हुई है, वो साफ समझ में आ रही है कि वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको कबूला नहीं जा सकता, तो आगे उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। फिर शरदम्मा वर्सेस केंचम्मा 2007 का केस, वो बता दिया आपको, बताया गया जो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकता। गोपाल सरन वर्सेस सत्यनारायण के केस में कहा गया कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, द पर्सन इज नॉट सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उस केस में उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ की भी इंपॉर्टेंस खत्म है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हो सकता है तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ की जरूरत नहीं है। वो क्यों, वो बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति भाई गवाह लेके आया है तो अपनी ही बातें बोलेगा ना, गवाह तो उसी की बातें बोलेगा, उसके फेवर में ही बोलेगा, तो अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हो सकता तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ की भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, इन केस लॉज की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपको ऐसे बता रही हूं कि जब एक कोर्ट में कोई विटनेस आता है, कोई गवाह आता है, तो उसमें ध्यान रखना है कि इधर उधर की कहानियां उसको नहीं गढ़नी, ना कोर्ट के पास टाइम है ना केस के पास टाइम है। कोर्ट और केस दोनों के लिए जरूरी है कि वो पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट की बातें करे, यानी उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसी का आंसर दे। क्वेश्चंस की बात हुई है तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास से, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस की बात करेंगे, और फिर उसके बाद रिफ्रेशिंग ऑफ द मेमोरी की बात है, रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ विटनेसेस की बात है, और फिर उसके बाद में वाइंड अप करते करते एक मुश्किल से दो या तीन वीडियोस और बनेंगी, ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।